कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो इसी तरह कुछ हजार बच्चों के लिए, कुछ हजार अनाथ बच्चों के लिए जो भगवान का रूप समझी जाती है, उनकी माँ मानी जाती है सिंधुताई सपकान, उन्हीं के बारे में हम अपनी आज की इस वीडियो में बात करने वाले। सो बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंधुताई सपकाल के बारे में, ठीक है, जिनका की जन्म की अगर हम बात करें 14 नवंबर 1948 को वर्धा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में हुआ था इंडिया में, और जिनकी की डेथ कल ही दैट मीन्स 4 जनवरी 2022 को 73 ईयर्स में क्या है एक तरीके से पूना महाराष्ट्र में हुई है। ओके, इनको हम माई के नाम से भी जानते हैं, दैट मीन्स लिटिल मदर के नाम से भी जानते हैं। ये एक फेमस सोशल वर्कर है, सोशल एक्टिविस्ट है, और इन्होंने कई हजार बच्चों के लिए काम किया है। बेसिकली सबसे मेन अगर मैं कहूँ तो अनाथ बच्चों के लिए, तो अनाथ बच्चों की ये माँ समझी जाती थी, ठीक है। इनको 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री ध्यान रखना, ठीक है, सोशल वर्क कैटेगरी से इनको क्या है पद्मश्री दिया गया था 2021 में, ठीक है। अब इनसे जुड़ी कुछ और बातें हम देख लेते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इनको क्या है एक तरीके से ये गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था, जो कि क्या एक तरीके से जो गाय चराने वाला परिवार होता है, एक तरीके से हर्डर्स का, उन उस परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनकी परिवार की हालत ठीक नहीं थी, काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, तो इस वजह से इनको एक एज अ अनवांटेड चाइल्ड क्या है शुरुआत से ही समझा जाता था। और क्या नाम है, इनको पढ़ने का शौक था, बट कम उम्र में इनकी शिक्षा छुड़वा दी गई थी 4वीं क्लास के बाद, और इनकी बहुत कम उम्र में अराउंड सिर्फ 12 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी जाती है इनसे 20 साल उम्र में बड़े एक व्यक्ति के साथ, जिनका की नाम था श्री हरि सपकाल। तो श्री हरि सपकाल जी से इनकी क्या है शादी कर दी जाती है, और बहुत कम उम्र में ही, दैट मींस कि 20 साल की उम्र तक आते आते ही, 20 साल की उम्र तक आते आते सिंधुताई 4 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी। लेकिन जब बात करें हम 4थे बच्चे की, तो उस टाइम पीरियड पे इनको क्या है एक तरीके से इनके ही पति के द्वारा इनको घर से निकाल दिया गया था जब ये 9 मंथ प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है इनको कहा जाता है पूरी रात जानवरों के साथ, दैट मीन्स गाय का जो तबेला होता है वहां पर रहना पड़ा था, और वहीं पर इन्होंने रात को क्या है अपनी जो बच्ची है उसको जन्म दिया था। और उस वक्त इनके पास वहां पर कोई नहीं था, और इन्होंने अपने स्ट्रगल की पूरी स्टोरी क्या है पूरा जो विवरण है वो दिया हुआ है, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन एंड मैगजीन्स में इनके बारे में छापा हुआ है। तो इन्होंने बताया था कि किस तरीके से वो जो पूरी नाइट थी वो इनके लिए काफी स्ट्रगल वाली रही थी। आज अगर हम बात करें तो इनके 4 बायोलॉजिकल बच्चे हैं और 1500 इनके अडॉप्टेड चाइल्ड है, जिनको इन्होंने गोद लिया है, या कह सकते हैं वो अनाथ बच्चे जो कि इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनको मैंने आपको बताया कि 20 साल की उम्र में इनके पति के द्वारा घर से निकाल दिया गया था, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या है कुछ गलत बातों का विरोध किया था जो कि इनके आसपास गांव में हो रही थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो इनकी जो जर्नी है उसकी शुरुआत होती है, और तब ये क्या है एक तरीके से रेलवे प्लेटफॉर्म पे रहती है अपनी उस छोटी बच्ची के साथ, और वहां पर क्या है भीख मांगकर, गाना गाकर इस तरीके से पैसे इकट्ठे करते हैं और खाने अपना खाना पाना खाना वाना चला पाते हैं और अपना पूरी इनकी दिनचर्या चलती है। इसके अलावा वहां रहने वाले और भी जो गरीब बच्चे थे उनको भी कुछ पैसे कमा कर ये उसी से खाना खिलाते थे, ठीक है, दैट मीन्स उनका भरण पोषण ये करते थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कुछ टाइम के बाद इन्होंने अपनी खुद की बेटी जो इनके बायोलॉजिकल चाइल्ड थी उसको इन्होंने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया था श्रीमंत दगदू शेठ हलवाई पूना, दैट मीन्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इन्होंने अपनी बेटी डोनेट कर दी थी। क्यों, क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि गलती से भी किसी को ये ना लगे कि मैं अपने बच्चे और एक तरीके से ऑर्फन चाइल्ड्स में कोई भेदभाव कर रही हूँ, ठीक है। उनको भी वो बराबर प्यार और स्नेह देने के लिए इन्होंने क्या कर दिया था, अपनी खुद की ही बेटी को डोनेट कर दिया था, ठीक है। इनके स्ट्रगल की जो स्टोरी है वो वीकली ऑप्टिमिस्ट सिटीजन जो एक तरीके से वीकली मैगजीन टाइप है उसमें छपी है 18 मई 2016 को इन्होंने बताया था। इनके जीवन की एक सबसे खास एक और घटना है, इन्होंने क्या है 84 विलेज के लोगों के लिए, गांव के उन गरीब लोगों के रिहैबिलिटेशन के लिए क्या है लड़ाई लड़ी थी, जहां पर एक टाइगर प्रोजेक्ट बनना था जिसका कि इनॉग्रेशन करने के लिए पीएम इंदिरा गांधी जी उस टाइम पे पहुंची थी। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप बाकी लोगों को कॉम्पनसेशन देते हो, जानवरों को मारने पे सजा दी जाती है, तो लोग जो जिन आदिवासियों को यहां से हटाया गया है, जिनको सही तरीके से रिहैबिलिट नहीं किया गया, उनको उनका कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए जो कि उन्होंने सफर किया है, ठीक है। तो इस तरीके से वहीं से क्या है इनका जो मिशन है वो शुरू हो जाता है, ऑर्फन बच्चों के लिए इनका काम शुरू हो जाता है, और ये ऑर्फन बच्चों को पालना, उनको रखना शुरू कर देती है, और वही इनकी जर्नी इतनी बड़ी हो जाती है कि आज के टाइम की अगर हम बात करें तो अराउंड 1500 बच्चे
बच्चों को इन्होंने क्या है गोद लिया हुआ, उनका भरण पोषण किया, और इनकी एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें कि 382 इनके सन इन लॉज एंड 49 डॉटर इन लॉज आज के टाइम पे हैं। इनके इन्हीं कार्यों की वजह से इनको 700 से ज़्यादा अवार्ड इनके जीवन में मिल चुके हैं, 700 से ज़्यादा, समझ सकते हैं आप। इसी से आपको पता लग सकता है कि इनका जो वर्क है वो कितना ज़्यादा प्रीशियस है, ठीक है। लेकिन अवार्ड से जो भी इनको धनराशि मिली, जो भी मिला, उसको इन्होंने क्या है ज़मीन खरीदने में यूज़ किया, जिससे कि उन ऑर्फन बच्चों को रहने के लिए घर मिल सके, एक छत मिल सके, ठीक है। इसके अलावा सबसे दुखद बात, इनका 4 जनवरी 2022 को पुणे महाराष्ट्र में हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ हो गई, ठीक है। इनके जीवन से जुड़े हुए इनकी लेगेसी कुछ अवार्ड्स के बारे में यहां पर एक लिस्ट आपको दी जा रही है कि इनको कौन कौन से मेन अवार्ड्स मिले हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ के मैं नाम आपको बता देती हूँ, बाकी आप लिस्ट में देख सकते हैं। जैसे कि इनको 2021 में पद्मश्री दिया गया था, 2017 में इनको क्या है नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है, 16 में इनको एक तरीके से डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, 2016 में इनको सोशल वर्कर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था, 2014 में इनको अमिद्या मुस्लिम पीस प्राइज दिया गया था, 2013 में इनको मदर टेरेसा अवार्ड दिया गया है, 2013 में अगेन इनको द नेशनल अवार्ड फॉर आइकॉनिक मदर का पुरस्कार इनको मिला, 2010 में इनको अहिल्याबाई होलकर अवार्ड मिला था महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, 2008 में इनको, ठीक है ना, अगेन इनको क्या है वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, और इसके बाद 1996 में इनको दत्तक माता पुरस्कार मिला, और 1992 में इनको लीडिंग सोशल कंट्रीब्यूटर अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा 2010 में इनके जीवन से रिलेटेड इनकी एक बायोपिक एक मूवी बनी थी, मराठी फिल्म है वो, कौन, मी सिंधुताई सपकाल, ठीक है, जिसको आनंद महादेवन ने बनाया था, और ये मूवी वर्ल्ड प्रीमियर 54th लंदन फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई थी वर्ल्ड प्रीमियर के लिए, ठीक है। तो हमारी आज की वीडियो ट्रिब्यूट है उनके किए हुए कार्यों को लेकर सिंधुताई सपकाल जी को, जिससे कि जो उनके कार्य हैं वो हमेशा याद रखे जाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड यस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यस बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ टाइमली मिल सके।